हेलो पीपल, होप योर डूइंग दिस साइड मसूमत एंड यू आर वॉचिंग लोको फिल्म मेकर। सो गाइज, इन दिस वीडियो आई विल बी टीच यू कि हाउ यू कैन शूट सिनेमैटिक वीडियो विद योर स्मार्टफोन। सो बिफोर लर्निंग दैट, मैं आपको सिनेमैटिक वीडियो वो शो करता हूँ। सो इन द काउंट ऑफ 3, 2, 1, वॉच इट। सो गाइस, आपने वो सिनेमैटिक वीडियो देख लिए। सो अब हम बढ़ते हैं उसके स्टेप्स की तरफ कि मैंने वो कैसे शूट करी, मेरे क्या टिप्स हैं कि आप वैसे ही शूट कर सकें। सो बढ़ते अपने फर्स्ट स्टेप के ऊपर। तो गाइस, जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब है कि आपको जस्ट शूट अपना स्टार्ट करना है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कहा है, हर वीडियो में मैं यही कहता हूँ कि आपको अपना शूट स्टार्ट करना है, ठीक है, तभी आप अपनी एक अच्छी सिनेमैटिक वीडियो शूट कर पाएंगे। सिनेमैटिक वीडियो शूट करने से पहले भी आपको शूट करना पड़ेगा। सो दिस इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। तो बढ़ते अपने सेकेंड पॉइंट पे। तो गाइस, जो हमारा सेकंड स्टेप है वो ये रहेगा कि अब तो हमने कर ली थोड़ी मोटिवेशन से बात, ठीक है, अब हम थोड़ा टेक्निकल वे पे आ जाते हैं। तो गाइस, सेकंड पॉइंट जो है वो मेरी तरफ से ये है कि आपको जब भी आपको सिनेमैटिक वीडियो शूट करो, ठीक है, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट एंगल से एक एलिमेंट को शूट करना है। जैसे मेरे केस में एक कैट थी जिसे मैंने डिफरेंट डिफरेंट कैमरा एंगल से शूट करा था। एक मैंने पैन शॉट लिया था, ऐसे करके जो शॉट उसे कहते हैं हम, एक पैन शॉट, ठीक है, और मैंने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स लिए थे। जैसे कि मैंने क्लोजअप शॉट लिया था, आप देख पा रहे हो कि स्क्रीन पे ये जो है कैट के बिल्कुल जो आईज थी वो मैंने थोड़ी सी, ठीक है, फोकस में लेके मैंने शूट करा। तो ऐसे ही आपको डिफरेंट डिफरेंट कैमरा एंगल्स बिल्कुल शूट करना है। आपको बिल्कुल भी, जब आप शूट करो तो आपको बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना, आपको बिल्कुल भी सिर्फ एक एंगल या फिर दो एंगल लेके आपको नहीं पीछे हट लेना, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको मिनिमम, मैं जो आपको बता रहा हूँ, 10 शॉट लेने ही लेने हैं। आपको 10 शॉट जो है वो लेने ही लेने हैं, तभी आप एडिटिंग के पार्ट में देख पाओगे कि कौन सा जो आपका जो शॉट था वो अच्छा है। तो ये तो हम करेंगे थर्ड पॉइंट में बात, लेकिन जो मैं आपको बात कह रहा हूँ वो ये है कि आपको जस्ट 10 to 15 आपको कैमरा मूवमेंट्स लेने हैं। अगर आपको कुछ और सीखना है, डिफरेंट कैमरा एंगल्स कैसे लिए जाते हैं, तो मेरी एक प्री वीडियो मैंने उसके ऊपर बना रखी है, आई लिंक पे इधर या इधर आ रहा होगा, आप क्लिक करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो बढ़ते अपने थर्ड स्टेप के ऊपर। तो गाइस, जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो ये है कि मैंने जो है वो स्टेप लिख रखे हैं जिससे कि मैं भूलूँ ना, ठीक है। तो थर्ड जो हमारा जो स्टेप है वो ये है, अब आपने शूट कर लिया, आपने डिफरेंट डिफरेंट कैमरा एंगल्स ले लिए, अब आपका क्या थर्ड पॉइंट क्या आता है कि आपको आपको अब एडिटिंग के पार्ट पे, मतलब जिसे कहते हैं हम पोस्ट प्रोसेसिंग, पहला होता है हमारा प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड अ पोस्ट प्रोसेसिंग। अब अगर आपको नहीं पता कि मैं ये टर्म जो है प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ये कैसे यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है, तो उसके लिए भी मैंने एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि मेरी एक वीडियो है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे कि कहा, थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो है कि दिस इज़ द टाइम विच यू हैव टू एडिट योर वीडियो। अब आपको अपनी अपने शॉट ले लिया, अपने डिफरेंट डिफरेंट कैमरा एंगल से शूट कर लिया उस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको एडिटिंग के पार्ट पे आना है। अब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, पूरे होल वीडियो में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप एडिटिंग से अपना जो सब्जेक्ट है उसे और भी इम्प्रूव कर सकते हो। अब आपका पहली प्रायोरिटी क्या होगी कि आप जब आप एडिट करने बैठो तो सबसे पहले आपको फ्रेश मूड से एडिट करना है, क्योंकि जब आप अगर फ्रेश मूड से एडिट नहीं करोगे तो आप कुछ भी शॉट कहीं भी लगा दोगे। अब आपको अपने शॉट को अरेंज करना है कि जैसे कि पहले आपने किसी सब्जेक्ट की वो प्लेस दिखाई कि वो शॉट जो है कहाँ लिया जा रहा है,
सेकंड आपने दिखाया ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा फोकस रख के आपने शूट करा, थर्ड आपने क्लोजअप लिए उसके, ठीक है। तो ऐसे करते करते आपने वो टाइमलाइन पे, ठीक है, एडिटिंग के टाइमलाइन पे आपने वो शॉट को जो है वो मैनेज कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, अपने शॉट्स को जितने भी आपने शॉट लिए थे, ठीक है, उसको आपको देखना है कि कौन कौन से शॉट जो हैं वो अच्छे आए हैं और कौन कौन से नहीं। सो दिस इज शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी कि आपको पहले अपना देखना है कि कौन कौन से शॉट अच्छे आए हैं और कौन कौन से शॉट बेकार आए हैं, और जो अगर जो शॉट जो है ख़राब आए हैं वो आपको हटाने हैं, तभी आप आगे स्टेप पे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो थर्ड स्टेप क्या रहा कि आपको एडिटिंग करनी है फ्रेश मूड से, वो भी शॉट देखने कि कौन कौन से शॉट अच्छे आए हैं और कौन कौन से शॉट नहीं। और अगर आपको एडिटिंग में अच्छे पार्ट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा शॉट लेने पड़ेंगे अपने सिनेमैटिक वीडियो में, ठीक है। आपको 5, 6, 7 इतने ही नहीं, आपको 10-15 कैमरा एंगल शूट करने पड़ेंगे, तभी आप एडिटिंग के पार्ट में डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा शॉट अच्छा है और कौन सा शॉट बुरा है, ठीक है। तो बढ़ते अपने फोर्थ स्टेप पे। तो गाइस जो अपना फोर्थ स्टेप है वो है कि आपने अब अरेंज कर लिया अपने टाइमलाइन में, अपने जो शॉट थे उसे अरेंज कर लिया है। अब आपका फोर्थ पॉइंट, जो क्रूशियल एक पॉइंट है, वो है म्यूजिक सिलेक्शन। मैंने देखा कितने भी, मैंने जो देखे हैं, मैंने कितने फ्रेंड्स हैं मेरे, कितने भी जो जिनको मैं जानता हूँ जो सिनेमैटिक वीडियो जानते हैं बनाना, लेकिन वो कहीं ना कहीं लैग करते हैं किस में, अपने म्यूज़िक सिलेक्शन में। कि जैसे कि कोई शॉट है जिसमें म्यूज़िक जो है वो हमें थोड़ा सा रोमांटिक टाइप का चाहिए, लेकिन हम उसमें हिप हॉप म्यूज़िक डाल दिए तो पूरा वो पूरा जो सीन का जो लुक है वो ख़राब हो जाता है। तो आपको कहाँ ध्यान रखना है, अपने म्यूज़िक सिलेक्शन पर आपको वर्क करना है। कि जैसे कि अब मैंने इस वीडियो में थोड़ा माइल्ड सा म्यूज़िक लिया, ठीक है, जिससे कि मैंने थोड़ा जो व्यूअर्स को थोड़ा सा इंस्पायर और थोड़ा सा माइल्ड सा लगे, थोड़ा हैप्पीनेस, थोड़ा पीस सा म्यूज़िक लगे। तो ये मैंने कैसे आया मेरे को, ये मैंने जब अपने थोड़ा सा टाइम दिया, थोड़ा सीखा, तभी मैं सीख पाया हूँ, ठीक है। तो म्यूज़िक सिलेक्शन इज़ वन ऑफ द बेस्ट, मैं कहूँगा कि आपकी वीडियो को ये बहुत अपर लेवल तक ले जाता है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि अपने म्यूज़िक सिलेक्शन पे आपको काम करना चाहिए, और अगर आप उस पे काम नहीं करोगे तो आपकी वीडियो, चाहे आप कितने भी कैमरा एंगल शॉट ले लो, ठीक है, आप बिल्कुल भी उसे अगर अच्छे से एडिट नहीं कर रहे हो म्यूज़िक के साथ, तो आप अपने शॉट को, अपने एडिटिंग जो, अपने जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं निकलेगा। तो फोर्थ पॉइंट जो है वो है कि अपने म्यूज़िक पे, अपने जो सिलेक्शन, म्यूज़िक सिलेक्शन पे आपको वर्क करना है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सॉन्ग्स होते हैं, आपको सुनना पड़ेगा कि आपके शॉट के उसके सुटेबल कौन सा पड़ रहा है। तो ऐसे आपको अपने म्यूज़िक को सेलेक्ट करना है। और तो बढ़ते अपने फिफ्थ पॉइंट के ऊपर। तो गाइस जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है, बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो ये है कि आपको अपने टाइमलाइन पे अपने शॉट को अरेंज कर लिया, ठीक है। अरेंज करने के बाद आपने म्यूज़िक भी अच्छे से सेलेक्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है वो मैं बताता हूँ। अब आपको लास्ट में क्या करना है, अपने फ़ोन को हाफ एन आवर और एन वन आवर के लिए छोड़ देना है। क्यों? हमारा माइंड जब एडिट कर हमारा जब हम एडिट करते रहते हैं तो हमारा जो शॉट है वो हमें बिल्कुल बैठ जाते हैं कि हाँ ये अच्छा लग रहा है। लेकिन आपको क्या करना है, अपने उस मोबाइल जिससे आप एडिट कर रहे थे उसे थोड़ा छोड़ के थोड़ा रिलैक्स होना है, थोड़ा बाहर घूम के आना है, तब आपको थोड़ा देखना है। जब आप आके देखेंगे अपनी वीडियो को दोबारा, अपनी वीडियो को ही, तब आप देखेंगे कि आप और भी इम्प्रूव कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो यही है, आपको एडिटिंग, अगर आपके शॉट अच्छे नहीं आए हैं शूटिंग के दौरान, ठीक है, तो आप बिल्कुल भी हेजिटेट ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे एडिटिंग के पार्ट में कवर कर सकते हैं। तो एडिटिंग तभी कहते हैं कि बहुत क्रूशियल पार्ट है किसी भी वीडियो का। अगर एक अच्छा एडिटर उस वीडियो को अच्छा एडिट कर देता है तो वो बहुत वीडियो बहुत अच्छी बन जाती है, ठीक है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि आपको थोड़े देर के लिए मोबाइल छोड़ना है, तब आप देखोगे कि अपने हाँ आप और अच्छा म्यूज़िक लगा सकते हैं और अच्छे शॉट लगा सकते हैं इसमें। तो ये गाइस कुछ 5 पॉइंट्स मैंने कवर करे इस वीडियो में, ठीक है। तो कैसे लगे, सो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि मैं ऐसी ही वीडियोस बनाऊं कि नहीं। तो मैं ऐसी ही वीडियोस में और बनाऊंगा जिससे कि आप सीख सकेंगे कि जो मेरा जो एक्सपीरियंस है सिनेमैटिक वीडियो बनाने में, बी रोल बनाने में, ठीक है, तो आप भी सीख सकेंगे उससे। सो गाइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो गिव अ बिग थम्स अप। और अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं
सो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जो नीचे रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके, ठीक है। सो गाइस, अगर आप मेरे से और ज्वाइन कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप बिल्कुल जाके उसे फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स और देता रहता हूँ और थोड़ी अपनी लाइफ को शेयर करता हूँ कि हाँ मैं कैसे शूट कर रहा हूँ कैसे नहीं। तो ये कुछ 5 पॉइंट मैंने कवर करे हैं और मैं लास्ट में एक बोनस टिप देना चाहूँगा कि गाइज आपको बिल्कुल भी, मैंने जैसे कहा, हेजिटेट नहीं होना है बिल्कुल भी, अपने आप को आपको पेशेंस रख के वर्क करना है अपने शूटिंग के, फिल्म मेकिंग के प्रोसेस में, ठीक है। तो यही बोनस टिप है कि आपको पेशेंस बहुत मैटर करता है आपकी, अगर शूट कर रहे हैं, म्यूजिक सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बहुत मैटर करता है। तो आप क्या करें, रिलैक्स माइंड से जब भी कोई वीडियो एडिट करें तो रिलैक्स माइंड से एडिट करें। तो गाइज, तो मिलते हैं आपको न्यू वीडियो में, कुछ ऐसे ही क्रिएटिव कंटेंट लेके मैं आता रहूँगा। तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और फॉलो मी ऑन द इंस्टा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो मिलते हैं आपको न्यू वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।